सीर गोवर्धन में संत रविदास की जयंती पर देश के कोने कोने से अनुयायियों का सैलाब उमड़ने लगा है। मेला क्षेत्र में 60 से अधिक शिविरों में जगह नहीं बची। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत 23 से अधिक राज्यों के अनुयायी पहुंचे हैं। यहाँ पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं का रैला उमड़ता है। लोग रविदास जन्म स्थल गोवर्धनपुर में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तथा शब्द कीर्तन के साथ में प्रार्थना शुरू हो चुका है। लाखों श्रद्धालु शीश नवाने पहुंच गए हैं। डेरा सच खंड बल्ल के संत निरंजन दास महाराज ने शाम को अपने श्रद्धालुओं के साथ बेगमपुरा ट्रेन से कैंप स्टेशन के साथ सिर गोवर्धनपुर पहुंचेंगे। इस ट्रेन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 6,000 से अधिक सेवादारों ने मेला क्षेत्र से लेकर लंगर व्यवस्था, मंदिर परिसर, कंट्रोल रूम और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। मंदिर से शिविर क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क की दोनों पटरियों पर 500 से अधिक दुकानें लग गई हैं। संत सतविंदर जीत सिंह हीरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन, रजिस्टर भारत। किस तरह के यहाँ पे पूजा अर्चन कर रहे हैं और कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या मान्यता है? हमारी जो संस्था है वो ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन रजिस्टर भारत है, जिसने ये गुरुदास महाराज जी जहाँ जहाँ जाते हैं उनके स्थानों की खोज करते हैं और उस खोज के तहत इसकी भी खोज 1964 में की थी बाबा बंताराम खेड़ा जी ने, और 1964 से लगातार ऑल इंडिया धर्म मिशन यहाँ आ रहा है और इस बिल्डिंग को सेवा करवाई शुरू में, और अब जो है मदाकन चौक से 5 फरवरी को विशाल भव्य शोभा यात्रा निकालता है, और मेरे साथ संत सुरेंद्र दास जी, संत हरमन सिंह जी और अनेक संत आए हुए हैं। अनेक गाड़ियों में हमारे गुरु मारे के उन्हें पहुंच रहे हैं यहाँ पे। महाराज जी, जन्मस्थलियों को लेकर विवाद है और कुछ लोग लहरतारा में जो है इनकी जन्मस्थली कहते हैं, यहाँ पे कर्मस्थली कहते हैं कि यहाँ पे आकर स्नान करके वो अपना कर्म करते थे। ऐसा है कि गुरु रविदास महाराज जी अकेले ऐसे महान महापुरुष नहीं हैं, और गुरुओं के बारे में अलग अलग जो विचारधारा के लोग होते हैं, राइटर होते हैं, वो अपने हिसाब से लिखते हैं, तो किसी को कोई लिखना पढ़ना, किसी को कोई लिखना पढ़ना, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों स्थान गुरु रविदास महाराज जी के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को लेकर अभी तक विवाद चल रहा है कि वहाँ पे लोग मान रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जन्मस्थान है, कुछ लोग यहाँ पे ये गुरु नानक देव महाराज जी जो हैं उनके जन्मदिन का कितनी बड़ी संस्था है, अभी तक वो भी नहीं निर्णय कर पाए कि गुरु नानक देव महाराज का जन्मदिन कौन सा है। कोई राइटर कोई बोलता है, कोई राइटर कोई बोलता है, लेकिन हमें इतना पता है कि गुरु नानक देव महाराज जी अवतार हुए हैं और बहुत बड़े संत हुए हैं। ऐसे ही गुरुदास महाराज जी चारे वर्णों के हुए हैं। रविदास चमार उस्तत करे हर कीर्तन में गाए, पत जात उत्तम ब्या, चार वर्ण पे पग गए। गुरु नानक देव जी लिख रहे हैं कि ये चारों वर्णों के गुरु हैं, चारे वर्णों के गुरु हैं, चारे वर्णों के लोग इनको माथा टेक रहे हैं, तो इसलिए कोई कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना नाम बता दीजिए। स्वरणजीत सिंह। कहाँ से आई हैं? बुलाडा से। बुलाडा सालों से यहाँ पे आ रही हैं? मैं तो पहली बार आ रही हूँ। कहाँ से सुना था या किस तरह से आपने सुना? नहीं, साढ़े सारे आंदे ने जी, असं गुरु रविदास नूं पहले दिन तो ही वधिया मानदे जी, साढ़े गुरु ने जी, ये सानू इन्हां ने वधिया दिता, आशीर्वाद दिता होया जी, तां करके सानू आना बनदा ही है इत्थे। इतने हर एक मन्नत पूरी होंगी है जी अपने गुरु रविदास ने, जब आप आके मन्नत मांगते हैं जी हमेशा पूरी होंगी है जी, आके गुरु रविदास ने मंदिर आके कोई भी साढ़े मतलब के पूरी मंडली आई हुई है, सारे आए हुए हैं बुलाडे तो, ये पूरी दो बसा भर के आई हुई ने जी। हम इतने 10-12 दिन तो रहेंगे जी। हाँ जी, रणवीर सिंह प्रबंधक। रणवीर जी, किस तरह की तैयारी चल रही है और जो स्पेशल ट्रेन आने वाली है, महाराज जी जो आते हैं तो किस तारीख को आएंगे और दर्शनार्थियों का आने का क्रम कब से स्टार्ट होगा? तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, टेंट लग गए हैं, सब कुछ हो गया, अरेंजमेंट हो गया, खाना आ गया, तो राशन पाना का सब कुछ आ गया है, तो महाराज जी लगभग 5 बजे स्टेशन पर पहुँच जाएंगे। आ जाएंगे। ओके सर, कितने दर्शन आ रहे हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु? उनमें से 2200 आ रहे हैं, 2200-2300 श्रद्धालु आ रहे हैं। पुलिस का क्या अरेंजमेंट है? पुलिस का अरेंजमेंट अच्छा है, जो उनकी ड्यूटी बनती है वो करते हैं। अभी तक श्रद्धालु कितने आ चुके हैं यहाँ पे जो है, और लंगर कहाँ कहाँ चल रहा है, कितने लंगर स्टार्ट हो चुके हैं? लंगर तो वहाँ पर ही चल रहा है जो हमारा मेन चल रहा है, तो बाकी जो श्रद्धालु आन के यहाँ पर लंगर लगाते हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बीआईपी में योगी जी तो आ रहे हैं, बाकी कोई मालूम नहीं। अगर सूचना हमसे मिल चुकी है कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, सूचना नहीं मिली, लेकिन लगता है अभी वो आ रहे हैं। इनविटेशन किन को लोगों को भेजा गया था? इनविटेशन तो सबको देते हैं, जो भी रहता है, जो लेट रहता है सबको देते हैं। लगभग कितने श्रद्धालु जो है इस बार आने की उम्मीद है? आप देख रहे हैं रश तो काफ़ी हो चुका है, अभी भी आज हमारी 3 ट्रेनें आने वाली है, तो पहले से ज़्यादा रश होने की। अभी तक कितने लोगों
लगभग एक बात किया जाए तो अभी तक मतलब लगभग सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। हाँ, सब तैयारी पूर्ण हो चुकी है। और इस बार कितना दावल दाल चावल ये सब कितने आए हैं, कितने ट्रक आए और कितना भी आए? दाल चावल काफ़ी आ चुके हैं, तीन ट्रक हमारे पंजाब से आ चुके हैं, यहाँ से हमने राशन खरीद लिया है तो राशन लंगर चल रहा है बहुत अच्छे। सब्जियों के लिए कहाँ से? सब्जियों के लिए जब मंडी से लेके आते हैं या लोकल किसानों से लेके आते हैं, जितना भी बनता है वो ले आते हैं।